नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलवश। महाशिवरात्रि का मौका है, शिव के भक्तों के लिए बड़ा दिन होता है। कहते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। तो इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर किस तरह पूजा अर्चना करें, हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं देव शंकर शास्त्री जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि भगवान शिव की सही पूजा अर्चना इस मौके पर कैसे की जाती है, आप बता दीजिए हमको। जी, भगवान शिव की पूजा विशेष तौर पे, वैसे तो देखिए सिंपल जल चढ़ाने से भी पूजा की जाती है, और अगर भगवान शिव की महाशिवरात्रि पे अगर विशेष पूजा करना चाहते हैं तो संसार के जितने भी व्यक्ति हैं वो भगवान शिव के मंदिर में जा कर के और भगवान शिव पे पंचामृत अगर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, दूध दही शहद घी बूरा को मिला करके और साथ में गंगा जल मिला करके अगर भगवान शिव के ऊपर में, शिव परिवार के ऊपर में अगर चढ़ाते हैं तो उससे महाशिवरात्रि पे भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जातक की कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई ग्रह दोष अगर प्रबल हो रखा हो और कोई परेशानी आ रही हो तो महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की इस तरीके से पूजा करने से उनके ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, निवारण होते हैं और उनके जिंदगी में एक सुखद एक सुंदर समय प्राप्त होता है। बाकी मैंने जो पहले आपको कहा, अगर कोई महाशिवरात्रि पे या वैसे भी किसी भी दिन प्रत्येक दिन शिव जी पे सिंपल जल भी चढ़ाते हैं तो भगवान शिव जल चढ़ाने से ही बहुत प्रसन्न होते हैं। जी आचार्य जी, व्रत रखने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, महाशिवरात्रि पर व्रत भी रखा जाता है, तो समय क्या रहेगा, शुरू कब से होता है, समाप्त कब तक होता है, सही तरीका व्रत रखने का आप हमको बता दीजिए। जी बहुत अच्छी बात है, महाशिवरात्रि 2024 8 मार्च शुक्रवार के दिन आ रहा है। इस दिन महाशिवरात्रि पे जो कोई व्रत रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे चीज इस व्रत में प्रवेश प्रातः काल से हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई बीमार है, किसी को शुगर की परेशानी है, किसी को बीपी की परेशानी है या कोई शारीरिक कोई कष्ट है तो उनको खास तौर पे ये कहा गया है जो व्रत नहीं भी रखें श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा पाठ करें तब भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह के समय से लेकर के और रात्रि 12 बजे तक का व्रत माननीय होता है। कई बार ऐसे होते हैं जो संध्या काल में ही जातक व्रत खोल लेते हैं, कुछ लोग शाम सूर्य अस्त होने के बाद ही व्रत खोल लेते हैं, तो सूर्य अस्त होने के बाद महाशिवरात्रि पे व्रत नहीं खोला जाता है, रात्रि 12 बजे के बाद या अगले दिन सुबह जाकर के व्रत खोलें। ये महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि किसे कहते हैं, महाशिवरात्रि पे भगवान शिव का विवाह हुआ है गुलबीज जी, इनको मैरिज डे भी कहा जाता है, जिसे मैरिज यूनिवर्सरी बोलते हैं आप लोग, जो मैरिज डे भी कहते हैं, विवाह का दिन है, वर्ष विवाहिक वर्ष गांठ है भगवान शिव जी का। तो इस दिन भगवान शिव की जितने विशिष्ट पूजा की जाए उतना भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी इतनी जितनी भी इच्छा होती है वो सारे इच्छाएँ प्रबल पूर्ण होती है। और भगवान शिव की महाशिवरात्रि पे व्रत रखने से अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई जीवन में चल रहा होता है तो शिवरात्रि पे व्रत रखने से उनकी कठिनाई दूर हो जाती है। और अगर मान लीजिए फिर भी किसी को किसी भी प्रकार की शिवरात्रि के व्रत में दिक्कत या परेशानी होती है तो मैं ये नहीं कहता हूँ जो बिल्कुल निराधार रहें, भाई आप दूध फल ड्राई फ्रूट इत्यादि ऐसे कुछ चीज पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मात्र में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं ले सकते हैं जिससे कि हमारा पेट भर जाए।
अगर अधिक मात्रा में लेने से फिर व्रत खंडित हो जाता है। तो व्रत का इस तरीके से विशेष तौर पे ध्यान रखें। और व्रत का विशेष महत्व ये भी है गुलबीस जी, तो जैसे हम भगवान शिव जी की व्रत रखे हैं तो उस दिन हम अपने वाणी पे कंट्रोल करके रखें, कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलें जिससे कि कोई ऐसा हमारे मुंह से कोई शब्द निकले जो खराब हो, और अपने व्यवहार को सुचित करके बड़े शुद्धता और विचार से ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव जी का व्रत रखें तो महाशिवरात्रि पे बहुत सुंदर उनको अत्यंत लाभ मिलेगा और जीवन में जो भी उनकी कामना है वो कामनाएं सिद्ध हो जाती है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, चार पहर की पूजा अर्चना की जाती है महाशिवरात्रि के मौके पर, तो चारों पहरों के बारे में आप हमको बताइए जी। बहुत अच्छी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा जो चार पहर की जो महाशिवरात्रि पे जो पूजा होती है, महाशिवरात्रि 14 तिथि में 2024 8 मार्च शुक्रवार के दिन जो आ रही है, इसमें महाशिवरात्रि की जो चार पहर की जो पूजा शुरू होगी, ये पूजा शुरू होगी सुबह से। शिवरात्रि के पूजन शुरू रहती है भगवान शिव पे जल फूल इत्यादि बेलपत्र भांग धतूरे चढ़ाने की। इसके अलावा जो चार पहर की पूजा है वो संध्या काल में, पहले पहर की जो पूजा है वो 6 से लेकर के 9 बजे तक की पहले पहर की रात्रि पूजा होती है चार पहर की। शिवरात्रि महाशिवरात्रि रात्रि की विशेष पूजा का विशिष्ट महत्व दिया गया है, तो इसमें जो है शाम को 6 से लेकर 9 के बीच में जो पहला पूजा होगा, पहले चरण की जो पूजा होगा, इसमें व्यापार से संबंधित कोई परेशानी चल रही हो किसी को भी, तो पहले पहर की पूजा में अगर वो शामिल होते हैं और पहले पहर की पूजा अगर भगवान शिव की रुद्राभिषेक के द्वारा और शिव पे बहुत तरह सामग्री को अर्पित करते हुए उस पूजा में अगर वो शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पे व्यापार की समस्याएं जो है सो दूर हो जाएगी और व्यापार में अधिक लाभ मिलेगा और उनको तरक्की मिलेगी जी बहुत। और उसके अलावा जो रात का पहर है वो जी, दूसरे पहर की जो पूजा है गुलबीस जी, वो रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच की है जो दूसरे पहर की पूजा है। मैं खास तौर पे दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो दूसरे पहर की जो पूजा है इसमें कई चौघड़िया भी मिला हुआ है, और इस चौघड़िया के दौरान जो दूसरे पहर की पूजा है, इस पूजन में कोई विवाह के कार्य अटक रहा हो, किसी भी जातक के कुंडली के अंदर में शुक्र खराब हो, शनि खराब हो, गुरु खराब हो, या कोई ग्रह वीक स्थान पे बैठा हो, तो रात्रि 9 से 12 के बीच में जो दूसरे पहर की जो पूजा होगी, इसमें उनको पूजा करने से जातिका को या जातक को विवाह की समस्याएं दूर होगी। विवाह में अगर कोई अड़चन आ रहा हो, काफ़ी दिनों से विवाह के जो बात चल रही हो, रिश्ता बन नहीं रहा हो, तो दूसरे पहर की पूजा में वैवाहिक समस्याएं जो है सो हल हो जाएगी। और उस दूसरे पहर की पूजा में अगर शामिल होते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं तो उनके ये समस्याएं दूर होगी और जरूर उनका काम सिद्ध होगा जी। उसके बाद अगर हम तीसरे पहर की बात करते हैं गुलबीस जी, तो तीसरे पहर जो है सो 12 से 3 की है। 12 से 3 की रात्रि में महाशिवरात्रि के दिन जो तीसरे पहर की जो पूजा होती है, इस पूजा में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखिए थोड़ा त्याग करना पड़ता है व्यक्ति को अपने जीवन में, जागना पड़ता है। महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की भगवान शिव की विवाह हुआ और भगवान शिव उस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए विवाह के दिन किसी भी जातक जातिका से या विवाह के समय अगर कोई उनसे कुछ मांग लेते हैं या कुछ कहते हैं तो मना नहीं करते, वो कहते हैं जो कोई बात नहीं ले जाओ मैं दे देता हूँ,
तो इतनी प्रसन्नता होती है। तो भगवान शिव की महाशिवरात्रि पे जो विवाह हुई है, तो 12 से 3 के महारात्रि के अंदर में, 12 से 3 के रात्रि के जो तीसरे पहर की पूजा है, इस पूजा में बहुत विशेष बात है। जो रोग से कोई ग्रसित हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रहा हो, ग्रहों की समस्याओं से काफ़ी दिनों से उलझ रहा हो व्यक्ति, जीवन में कई तरह की परेशानी हो गुलबीस जी, तो महाशिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा में शामिल होने से, भगवान शिव की पूजा पाठ करने से उनकी रोग की समस्याएं जो है वो दूर होती है और उनके जीवन में बहुत कुछ एक नई चीज़ प्राप्त होता है। जो वो चाहते हैं उनको वो महाशिवरात्रि पे तीसरे पहर की पूजा करने से मिलता है जी। चौथा पहर जी, चौथे पहर जो 3 से 6 की पूजा है महाशिवरात्रि पे, भगवान शिव की पूजन करने से देखिए त्याग करना पड़ता है, जागना पड़ता है। तो चौथे पहर की पूजा में ब्रह्म मुहूर्त भी आ जाता है और अमृत की और लाभ की चौघड़िया भी आ जाता है। तो ऐसे में अगर चौथे पहर की लगातार कोई पूजा एक पहर से लेकर के दूसरे पहर, दूसरे से तीसरे पहर और तीसरे से अगर चौथे पहर तक अगर कोई व्यक्ति रात्रि को जाग करके और भगवान शिव की विशिष्ट पूजा करते हैं, विशेष पूजा में भगवान शिव की अंतर ध्यान लगाते हैं, तो चौथे पहर की पूजा करने से उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं रहती है। बहुत दिनों से, बहुत समयों से अगर उनके परिवार में भी कोई समस्या अगर चल रहा हो और अगर वैवाहिक जीवन में भी अगर कोई समस्या चल रहा हो या कोई घरेलू परिवार के अंदर में भी कोई उलझन चल रहा हो, तो चौथे पहर की पूजा करने से उनके जीवन में बहुत तरह की सुख शांति प्राप्त होगी और बहुत तरह की उलझने समाप्त हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई ग्रह दोष उन पे अगर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना करके रखा हुआ था, तो भगवान शिव की चौथे पहर की पूजा करने से वो समस्या भी दूर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर आपने बताया चारों पहर की पूजा के बारे में आचार्य जी। अब आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो 9 जो ग्रह होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं, तो वो पूजा अर्चना कैसे की जाती है जी? मैं ये कहना चाहूँगा जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और बहुत अच्छी बात है, जो थोड़ी सी बात है समझने की, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, भगवान शिव की पूजा करने से किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रह अगर खराब हो तो ग्रह मजबूत हो जाता है। पारिवारिक कोई भी समस्या हो, परिवार में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा हो, बात नहीं बन रहा हो, या कोई जमीन जायदाद की विवाद हो, या कोई व्यापारिक समस्या हो, तो भगवान शिव की पूजा करने से, शिव के परिवार की पूजा करने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याएँ नहीं रहती है, दूर हो जाती है। कारण भगवान शिव 9 ग्रहों का जो है सो गुरु है। जैसे शनिदेव जी का भगवान शिव गुरु हैं, भगवान शिव के गले में नागदेव बैठे हैं तो राहु शांत होते हैं, माथे पे चंद्रमा विराजमान है तो चंद्र ग्रह जो है सो ठीक होता है। इसी भी प्रकार से, इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रहों की गुरु भगवान शिव हैं और शिव की पूजन करने से महाशिवरात्रि पे तो खास तौर पे अगर मान लीजिए कुंडली के अंदर में कहीं पे भी कोई दोष हो या काल सर्प दोष हो कुंडली में, कई बार विद्वान ज्योतिष कहते हैं जो आपके कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, तो महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की रुद्राभिषेक करने से, भगवान शिव की पूजन करने से, बहुत सारी सामग्री चढ़ाने से उनके काल सर्प दोष जो है भगवान शिव के पूजन करने से दूर हो जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा जातकों को, मान लीजिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो बहुत विद्वान ये भी कहते हैं जो आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में कोई मंदिर है तो उसमें जाइए, भगवान शिव जी पे नाग नागिन की जोड़े पंचामित्र में बना करके उसमें डाल करके भगवान शिवलिंग पे चढ़ाइए,
जिससे आपके काल सर्प दोष जो है कुंडली के अंदर में वो दूर हो जाएगा और आपके जीवन में एक अच्छी तरक्की मिलेगी। इसलिए भगवान शिव नौ ग्रहों का गुरु कहा गया है और भगवान शिव की विशेष पूजा करने से नौ ग्रहों में शांति मिलती है और जीवन में तरक्की मिलती है, नौकरी में उन्नति मिलती है, हर तरह की जो है समस्याएं दूर होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि महाशिवरात्रि के मौके पर कैसे आपको पूजा अर्चना करना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तरीका क्या है वो आपको बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, ये सारी बातें हमसे साझा। धन्यवाद। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगे आपको कुछ और अहम चीज़ें बताने के लिए। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।